हरिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने जो पुणे यूनिवर्सिटी का वीडियो किया था मॉक टेस्ट का, उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और आज का जो वीडियो, इस वीडियो का टॉपिक है आपके जो डाउट्स है मॉक टेस्ट के बारे में या मेन एग्ज़ाम के बारे में, वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर ये आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स आते रहेंगे। तो पहला स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ स्क्रीन पे, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए उनको, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताइए, उनके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके आंसर देके आपका लॉगिन आईडी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद सर मेन एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का यूज़ हो सकता है क्या? हाँ, आप मैं पहले भी वीडियो बताया कि आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। सर कैमरा ऑन रहेगा क्या? देखो, अभी जब आपने मॉक टेस्ट दिया है तो आपको उसने कैमरा का परमिशन पूछा, तो इसका मतलब है कैमरा ऑन रहेगा। अभी क्वेश्चन आता है माइक का, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि माइक का क्वेश्चन ये क्या है, माइक चालू रहेगा कि नहीं रहेगा। ये देखो, ये AI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप बोल नहीं सकते हो कि माइक चालू रहेगा या बंद रहेगा, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट कितनी बार मैं दे सकता हूँ आपको? अभी तो आज लास्ट डे, आप देखो आपको एक बार दिया होगा तो वापस एक बार दे दो, आपको उतना ही प्रैक्टिस हो जाएगा। ये इंटरफेस के लिए था कि मेन एग्ज़ाम का इंटरफेस आपको कैसा है वो पता चलने के लिए मॉक टेस्ट था। तो फिर अभी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। देखो, आपके पास अगर दो मोबाइल है, एक मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है और एक मोबाइल में आपका सिम कार्ड है, तो आप काम कीजिए, ये मोबाइल जो है जिसका इसका वाईफाई यूज़ करके इस पर आप एग्ज़ाम दो। नहीं तो क्या होगा, आपका जो रेगुलर मोबाइल है उसके ऊपर अगर आपको एग्ज़ाम देते टाइम कोई कॉल आया है, कुछ आया, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपको क्या काम करना है कि जो ब्लैंक फ़ोन है जिसमें सिम कार्ड नहीं है या जिसका नंबर आपको किसी को पता नहीं है, वो मोबाइल पे आप काम करो, एग्ज़ाम दो, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो सके। उसके साथ मेमोरी थोड़ी सी क्लियर रखो, आपका नेटवर्क एक बार चेक करके, इंटरनेट का स्पीड चेक करके ले लो, ठीक है। ये सब इतना इसमें मेन था। अभी अगर समझो कुछ आपका नेटवर्क स्लो है, तो जो क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम है, डायग्राम है या कुछ टेबल है, तो वो स्लोली लोड होंगे, तो उसमें टेंशन वाली कुछ बात नहीं है। मुझे इतने पॉइंट्स कवर करने थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।